व्हाट्सअप गाइस, एबी क्रिक इन्फो चैनल पे भाई की नई वीडियो है। टाइटल है यस विराट बदल गया, अमित मिश्रा विराट कोहली, गंभीर ने साइड लगा दिया हार्दिक को, सूर्या कैप्टन। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती। जी 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 आंखें देखो, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे भैया। अमित मिश्रा सॉरी माफी चाहूंगा, माननीय अमित मिश्रा महोदय जी को लगता है कि विराट कोहली अब बदल गए हैं। तुम्हें भी लगता है? क्यों ना बदले? नहीं मतलब तुम उस लेवल के क्रिकेटर नहीं हो पाए, वो क्यों हो गया इतना बड़ा क्रिकेटर? इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैया जग कल्याण माफ करना मेरी भूल, मैंने माथे पे लगाई तेरे चरणों की धूल, हर यहाँ तलक तो लाई बेड़ी आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ। हर बार नए गाने भगवान के नाम लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, दाएं बाएं के कुत्ते भौंकते रहते हैं, चिंता करनी नहीं है। बाकी हमारे जो माननीय मिश्रा जी हैं उन पे जरा डिटेल में बात करेंगे। उधर गौती भैया ने हार दुबा काट दिया, कह रहे तेरे का बहुत पर्सनल काम हो रहे हैं, ले काटो इसका नाम। सूर्या को कैप्टन बना रहे हैं लंबे टाइम के लिए। हाँ आजो आजो सब्सक्राइब मार मार के फटाफट, लेट्स गो। नमस्कार नमस्कार। इस लाइव के दौरान माननीय अमित मिश्रा जी, सॉरी गलती हो गई, माननीय अमित मिश्रा महोदय जी की इज्जत में कोई भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए है। माइक नीचे कर लो, हाथ लग गया था। मिश्रा जी बहुत ही बड़े स्पिनर रहे हैं। मिश्रा जी ने विराट कोहली से तकरीबन 10-12-15 मैच कम खेले हैं। हाँ हाँ सेंचुरी के हिसाब से ब्रो। देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर मिश्रा जी को किसी ने भी इस लाइव के दौरान गलत बोला तो भाई साहब ठीक नहीं होगा। एक बारी जरा मिश्रा जी को वो कर दो, मिश्रा जी जिंदाबाद कर दो, एक बार जल्दी जल्दी मिश्रा जी को जिंदाबाद कर दो। हाँ हाँ एक सुपर चैट आई है, पहले उसी को पढ़ लेते हैं। मैं आपकी स्कूल मेट हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये लो हो गया ब्लॉक हो गया मामला। अरे अगर स्कूल मेट होती तो हराम जादगी ना होती यहाँ पे। अरे भाइयों ये लड़का है ये हराम जादे, ये फेंक सुपर चैट करते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में एक बारी मिश्रा जी जिंदाबाद लिखें, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा, बाकी चीजें छोड़ दें सारी। मिश्रा जी जिंदाबाद लिखें एक बार। भाई 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 डांट दिया गया तो। मिश्रा जी ने दोस्ती के नाम पे बहुत बड़ी मिसाल पेश करी है। एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें दो मिश्रा ने मिलके मिश्री बनाने की कोशिश की है विराट कोहली की इज्जत की। विराट कोहली को बदतमीज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है दोनों ने। और मैं एबी का क्रिक इन्फो तुम्हारा कार्यकर्ताओं का नेता, मैं आज ये साबित करके जाऊंगा कि विराट कोहली कितना बड़ा बदतमीज है और विराट कोहली को बदतमीज क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है बदतमीज। ठीक है भाई लोगों स्टार्ट करें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम भाई लोगों, वेलकम सब भाई लोगों, एक बारी लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, एनर्जी पूरी रहनी चाहिए। एक छोटा सा डायलॉग है लेकिन है बड़ा सटीक, इस सिचुएशन में बड़ा सटीक बैठता है भाई। वो इस वजह से बैठता है, बहुत ही कम दोस्त ऐसे होते हैं जिंदगी में जो अगर आपसे ज्यादा तरक्की कर जाएं, आपसे ज्यादा फेम उनको मिल जाए, पैसा बहुत मिल जाए, शोहरत बहुत मिल जाए, नाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, सारी मिला के बातें एक ही हैं, तो बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ये हजम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। क्यों ईगो हर्ट हो जाती है? ईगो इस वजह से हर्ट हो जाती है कि देखो यार ये मेरे साथ पहले कितना अच्छा था, अब तो ये बात ही नहीं करता है। बताओ। मेरा सवाल है भाई यहां पे, क्या इसमें
उस दोस्त की गलती है जो बहुत तरक्की कर गया अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, जिसने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए, इसमें उसकी गलती है कि उसकी गलती है जो अपनी जिंदगी में 68 मैच खेला है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े रिस्पेक्ट की बात है 68 मैच खेला, एक एक मैच खेलने निकले बहुत भाई, हम तो एक भी नहीं ना खेले, और हम तो सारे वही निकम्मे क्रिकेटर हैं जो बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। क्या इसमें उसकी गलती है जो उस लेवल पे जा नहीं पाया, लेकिन जो चला गया उसको बैठ के उसकी एस्तेसी करते रहो, फिर कंपेयर करते रहो, और फिर एक ऐसा एंकर वहां बैठा है जो एंकर है ही नहीं है, जो ऐसा लग रहा है कि उसके, अबे तू तो न्यूट्रल बन चश्मे वाले मिश्रा, तू तो न्यूट्रल बन के दिखा उसी पॉडकास्ट। नहीं नहीं सही बात है, ऐसा थोड़ी ना यंगस्टर फिर इज्जत करेंगे विराट कोहली की। हाँ हाँ नहीं नहीं बात तो बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ लेता हूं, क्या जो विराट, क्या जो सचिन तेंदुलकर की इज्जत है, क्या जो राहुल द्रविड़ की इज्जत है, क्या विराट कोहली की वैसे इज्जत करते हैं यंगस्टर? सबका कहना है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करते। अच्छा, सबका फैन बेस नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया दोनों ने कि कोई नहीं इज्जत करता। चलो भाई आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दा वेलकम। देखो वेलकम है गाइस, एक तो वहां पे पप्पी भैया हमारे गौती भैया एक्शन में आ चुके हैं, एक्शन मोड। पप्पी भैया ने काटा मार दिया है किसके नाम पे, हार्दू के नाम पे। हाँ, क्या कहा गया है, हार्दू ने कह दिया कि मैं वनडे वनडे नहीं खेल रहा श्रीलंका में, हाँ मेरा पर्सनल काम आ गया है। पता नहीं भाई इनको कौन सा राशन कार्ड बनवाना है उसी दिन, नहीं मतलब वर्ल्ड कप खत्म हुए एक महीना हो जाएगा, एक महीने की सेलिब्रेशन उसमें पर्सनल नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं भाई, पर्सनल काम तो पर्सनल होता है, बहुत पर्सनल होता है, कभी भी आ सकता है। गौतम गंभीर ये कह रहा है तू ठीक है, तू फिर पर्सनल काम कर, फिर एक काम कर, इसको T20 से भी हटाओ एज कैप्टन, हाँ इसको T20 में भी कैप्टन मत बनाओ। हालांकि भाई लोगों ये सारी खबरें ये सूत्रों के हवाले से मुक्तर हो रहे हैं, सूत्र इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये पता नहीं है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बनाया जा सकता है, वो भी लंबे टाइम के लिए। अच्छा इसमें एक रीजन है, मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या क्योंकि यार इंजरी का उसको कंसर्न रहता है हमेशा, इस वजह से शायद गौतम गंभीर वो रिस्क नहीं ले रहा होगा, मे बी ये वाला शायद उसकी सोच होगी कि नहीं नहीं कप्तान एक ऐसे इंसान को बनाते हैं जो कम से कम 365 डेज अवेलेबल रहे, फिट हो। वैसे इंजरी मैच में इंजरी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो पुरानी इंजरी है ना वो दोबारा खड़ी ना हो जाए आपके, तो वो थोड़ा सा शायद यहाँ पे होगा हार्दिक के साथ, अदरवाइज यार हार्दिक तुम्हें पता ही है। जय हो मेरा 33 नंबर। चलिए जी पहले मिश्रा जी पे आ जाऊं, मिश्रा जी पे आ जाता हूँ पहले, ठीक है। एक गाना याद आ रहा है गालू, यस और गाने तो हमेशा गा लेता हूं, चश्मे जरूरी है। जली जली देखो जली जली देखो मिश्रा जी की पता नहीं क्यों जली। यार देखो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, भाई मिश्रा जी ना बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड आदमी हैं। देखो मिश्रा जी पता क्या है, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन विराट कोहली के फैन यार इस बात को अब मान नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाई यार इस आदमी ने तो यार विराट कोहली को बदतमीज बना दिया। नहीं मतलब भाई एक बात बताओ, और भाई देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, मिश्रा जी को ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई जो पॉडकास्ट हुआ ना उसमें जब हमने सुना वो वाली बात, तो मेरे को सबसे पहले ही लगता है कि एक प्लेयर जब उस लेवल पर पहुंच जाता है ना, मुझे भी लगता है कि जब आप बहुत, आप चार दोस्त हो, आप एक सिचुएशन ले लो, चार दोस्त हो, चारों एक लेवल पर है, लेकिन एक अगर बहुत बड़े बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तो उसका सर्कल और भी बड़ा हो गया, तो उसके बाद हर एक को खुश रख पाना सबसे पहले, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है। अरे यार मैं तो कह रहा हूँ किसी के गांव का नहीं, कोई मेरे को फिर मेरे को अगर सॉरी उसके लिए, बट मैं एक चीज बताती हूँ,
आपकी सबसे सेम बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बहुत सीरियस, क्योंकि अभी उसने 11 प्लेयर इंडियन टीम में खेलते हैं, 11 के 11 एक जैसे नेचर नहीं होगा, कोई हाँ। किसी के साथ बैठना पसंद करता हो, कोई हमने बहुत सारे जो अभी खेल भी नहीं रहे, कितने सारे दोस्त हैं उसके। ईशान शर्मा की बात कर लो भाई, ईशान शर्मा की तो बॉन्डिंग अभी हमने आईपीएल में भी देखी थी, कितनी बढ़िया थी, मस्ती कर रहे थे वो बॉलिंग करते टाइम हमेशा, और बहुत पुराने क्रिकेटर्स के साथ भी फोटोज देखी गई है हमेशा, वो पोस्ट वो की मिलते हैं, ग्रीट होता है हर एक चीज। तो देखो यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर एज अ पर्सन बात नहीं, यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बॉन्डिंग कैसी, वो वाली बात आ जाती है कि अमित मिश्रा और विराट कोहली की में भी बॉन्डिंग ना हो, और दूसरी उस तरीके की ये वाला है ना कि यंगस्टर्स क्या उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई थर्ड पर्सन के उससे है कि नहीं, जो टीम में भी नहीं है कि करते हैं नहीं करते। सबसे बड़ी बात भी पता है कि करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से रिस्पेक्ट नहीं होती, और ऐसी कोई गलत काम नहीं कर रहा है कोहली ने कि आप आलोचनाएं 36 लोगों की करोगे, ऐसा कोई नहीं जिसकी बुराइयां नहीं होती होगी, 36 नहीं, प्लस ऐसा भी कोई नहीं है आज तक की इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो 365 डेज टॉप पे रहा है, बढ़िया चला है हर उसमें, सबके डाउन फॉर्म भी गई हर चीज, और किया सारे ही मैच भाई देखो है। अब मुझे नहीं पता कि बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप विराट कोहली अमित शर्मा की अमित मिश्रा की और विराट कोहली की बहुत बढ़िया बॉन्डिंग रही है या ठीक ठीक बॉन्डिंग रही है, वो हमें नहीं पता, वो पर्सनल है उनका। लेकिन अगर मैं हूँ, मान लो मैं हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे दोस्त भी खेलता है क्रिकेट, मैं मान लो खेल रहा हूँ अच्छे लेवल पर, मेरे दोस्त भी अच्छे लेवल, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पर खेलने लग गया, तो मैं भी कहीं ना कहीं सोचूंगा यार कि मैं भी खेल लूं, कि वो भी बात कर ले कि टैलेंट नो डाउट मेरे में भी है, तो भाई अपना ही दोस्त है तो क्या पता वो कह दे कि भाई थोड़ा सा कि क्या दिक्कत है भाई, मैं नहीं हो पा रहा दोबारा से सेलेक्ट, या क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, सबकी अपनी थिंकिंग है। मे बी अमित मिश्रा का वही था ना कि उनको क्लैरिटी चाहिए थी अपने उसके लिए, कि क्लैरिटी अब यही होती है कि इंडियन टीम के लिए दोबारा मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ, क्योंकि अगर बॉन्डिंग है तो वो विराट कोहली कैप्टन है, और बंदा ये सोचेगा यार कि मैं भी नो डाउट अमित मिश्रा बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, तो बंदा तो ये सोचेगा यार काबिलियत है, मैं पहले भी इंडिया के लिए खेल चुका हूँ, तो अब मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा दोबारा टीम में आने के लिए। लेकिन आप ये समझो 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में चहल को भी खिलाना, यार चहल कितने वर्ल्ड कप में जा रहा है, बाहर बैठ रहा है, हर एक चीज होती है, तो ये ऐसा मामला है जो बहुत पेचीदा है, दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, प्लस बॉन्डिंग अलग होना, देश के लिए खेलना अलग होता है, और जो भी कप्तान होगा भाई वो भी ये देखेगा कि मेरे को इस टाइम पर क्या बेस्ट मिल सकता है, ना कि ये कि जो अब ऐसे, तो एग्जांपल ऐसा टाइम भी आया था सहवाग को भी बाहर बैठना पड़ा था, सहवाग धोनी साथ में खेले थे लेकिन सहवाग को बाहर भी बैठना पड़ा था, मूवी में ही आपने देख लिया था, उसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुई थी क्या किसकी तरफ इशारा नहीं बोल रहा था, एक उसमें मैंने उसका देखा था कि, और ऐसा नहीं है उसने ये बोल दिया था कि सीधा, उसने सहवाग से भी बात की, सहवाग ने बहुत तरीके से बोला कि मुझे धोनी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बहुत तरीके से मुझे बोली ये चीज, मतलब जो मूवी में सीन था ना वो, तो उसमें था कि सीनियर प्लेयर्स को जो जो नहीं है उस तरीके, तो बहुत चीजें होती हैं, ठीक है खेलने 11 खिलाड़ी ही है, अपेक्षा हमारी सबसे हो जाती है, कुछ भी होगा ना कुछ भी, एक चीज बताऊं, बॉडी बहुत लोगों की है भैया, बहुत ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर भी है, कुछ करा होगा तभी उसके इतने फैंस हैं, लोग इतना उसे मानते हैं, और वो उस लेवल पर पहुंचा है कि आज मेहनत से पहुंचा है, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई वरना सबका नेचर अलग होता है, और यहाँ पर पर्सनल रिलेशन की वजह से भाई, पर्सनल रिलेशन एग्जाम्पल ये है, कोई होगा किसी से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, किसी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, कितने भी अप्रोच लगा लो, कितना ही वो कर लो, फैंस नहीं कम, आप इस तरीके से किसी से कमा सकते, फैंस आप अपनी मेहनत से कमा और सकते। अगर ये बात आती है तो ये पर्सपेक्टिव सबका नहीं है, हाँ। वो जो बात आई वो उनकी बॉन्डिंग को लेकर आई है, तो बॉन्डिंग तो भैया क्यों नहीं बनती किसी उससे, हम एग्जांपल रिश्तेदार होंगे आपकी भी, आपके कजन भी होंगे, वो सगे चाचा ताऊ में होंगे ना, किसी के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी है, किसी की नहीं है, किसी के साथ बैठना भी आप सोचते नहीं यार ये पकाता है मुझे, या फिर नहीं यार मेरे को इसके साथ बैठना सही, अगर कहीं जा रहे हो गाड़ी में बैठ के तो बंदा प्रेफर कर रहा नहीं मैं तो उसकी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, बहुत चीज हो जाती है, जो 10 लोग इसे अच्छे लग रहे हो कि वही सेम मुझे भी 10 अच्छे लगेंगे, तो वही वाली बात है। अब कोई होगा जो रोहित शर्मा का फैन होगा, कोई होगा कोहली का, आपने देखा होगा ना नॉर्मल है, धोनी के फैन है जो उसके फैन नहीं है, पर मुझे मैं यही बोलूंगी भाई उसने जो करा कमाया सब कुछ मेहनत से कमाया, ऐसा नहीं है कि उसने विराट कोहली गया उसने कहा कि लो 2 करोड़ रुपए मेरे नाम की पीआर करो मेरे फैन बढ़ जाएंगे मेरे हो जाएंगे, क्यों पैसे की कमी कौन से क्रिकेटर है भाई, हर क्रिकेटर करा सकते हैं अगर पीआर वाले पीआर से फैन नहीं बनते, याद रखियो हमेशा, पीआर तो बिग बॉस वाले भी करा लेते हैं, वो जो कंटेस्टेंट गए हैं पीआर तो भाई कोई भी करा लेगा, लेकिन डाई हार्ड फैन होना, पागलपन वाला फैन होना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर ना यहाँ मिश्रा अमित मिश्रा के लिए क्रिटिसिज्म है ना कोहली के लिए, यहाँ पर बस ये कि उन दोनों की बॉन्डिंग किस लेवल पर है, वो उन अमित मिश्रा ने जाहिर करी है, क्या पता
जब कोहली रिटायर हो जाए तो गंभीर वाले मामले पे भी, इस मामले पे भी, हर चीज पर विराट कोहली का अपना पर्सपेक्टिव होगा। तो यहां पर मैं सही गलत नहीं करूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि अमित मिश्रा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कह दिया, लेकिन इस तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है जिस तरीके से वो आया और जो वर्ल्ड की घमंड आ गया है इस तरह, पता नहीं भैया अच्छा नहीं लगा कि वो बदल गए, पता नहीं। अब ठीक है, वो कई बार हम भी कई चीज कहते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके से और इतने बड़े आइकन के लिए, ठीक है। जैसे सुनील गावस्कर भी कई बार कह देते हैं ना कि इंडिविजुअल स्कोर के लिए खेल रहे हैं, वो तो हो जाती है, ठीक है भाई, सबके अपने है। मेरे हिसाब से आप सबको खुश करके नहीं चल सकते हो, वही वाली बात है। विराट कोहली अगर इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो उसके साथ साथ कितने लोग आए होंगे, खेले होंगे, चले भी गए होंगे, रिटायर भी हो गए होंगे, या फिर ऐसे होंगे जो अब दोबारा टीम में कमबैक नहीं कर पा रहे, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। हार्दिक पांडे ईशान किशन की इतनी बढ़िया दोस्ती, लेकिन हार्दिक पांडे बैठे खेलेंगे, ईशान किशन को पूछा भी नहीं, देख लो। तो वो दोस्ती से यार चीजें समझने वाली बात होती है। अब इतना डिटेल में तो हम भी हार्दिक भी वाइस कैप्टन तो था ही भाई, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।